नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्नोटेक में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लाया हुआ हूं। इसमें दिक्कत है कलर ब्लर का। अभी मैं आपको चालू करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस लैपटॉप को चालू करने के बाद इसका डिस्प्ले कैसा आ रहा है। यह G4 का लैपटॉप है। इसमें कस्टमर ने i3 बोर्ड लगवाया हुआ है। अब ये चलते चलते अचानक इसका डिस्प्ले ब्लर हो गया है, डिफरेंट कलर दे रहा है डिस्प्ले में। लैपटॉप ऑन कर दिया हमने, अभी थोड़े समय बाद डिस्प्ले आएगा। डिस्प्ले आने में थोड़ा समय लग रहा है, तो इसको आज मैं सही करके आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा। ये देखिए डिस्प्ले आ गया है, रेड डिस्प्ले आ रहा है, ब्लर है, ये परफेक्ट कलर नहीं आ रहा है। यही समस्या है इस लैपटॉप में कि इसकी समस्या जैक से है, क्योंकि इसके कनेक्टर में फंगस या मॉइस्चर आने की वजह से ऐसी समस्या आती है। तो हम इसके कनेक्टर को निकालेंगे, LVDS कनेक्टर को, केबल और LVDS कनेक्टर दोनों हम साफ़ करेंगे अच्छे से, क्योंकि यह समस्या तभी आती है जब कनेक्टर में फंगस या मॉइस्चर वगैरह आ गए हों। तो इसको हम अच्छे से ब्रश से लिक्विड से साफ़ करेंगे। ये LVDS कनेक्टर है, डिस्प्ले का कनेक्टर, इसको हम अच्छे से साफ़ करेंगे आइसो प्रोफाइल से। फिर केबल का कनेक्टर को भी अच्छे से साफ़ करेंगे, फिर हम लगा कर चेक करेंगे। ये समस्या 100% यहीं से है। मैं इसको अच्छे से साफ़ करता हूँ। इसे कनेक्टर में दिक्कत है, जिस वजह से ऐसा कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। अब इस या इसको प्रोफाइल है या तुरंत सूख जाता है। मैं इसको फिर से लगाऊंगा, हमने लगा दिया। इसको चालू करते हैं, टिगर करना पड़ेगा। हमने टिगर कर दिया, ये चालू होके बंद हो गया, फिर से टिगर करना पड़ेगा। ये बोर्ड चालू हो गया, अभी थोड़ा समय लेगा डिस्प्ले आने में। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए डिस्प्ले आ गया एकदम परफेक्ट, जैसा डिस्प्ले आना चाहिए सेम टू डिस्प्ले आया हुआ है। ये समस्या कनेक्टर से था, हमने कनेक्टर को अच्छे साइसो प्रोफाइल से साफ किया, डिस्प्ले सही हो गया, एकदम परफेक्ट आ रहा है। ये समस्या सॉल्व हो गई दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये लैपटॉप ओके हो गया है, अब चलते हैं इसको कसते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट कर हमें अवश्य बताएं।